हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनोद कुमार और आप देख रहे हैं विनोद मोबाइल। दोस्तों, एक सैमसंग का ये B110 मॉडल है जो कि डेड कंडीशन में है। हमने इसको ऑन करने की कोशिश की लेकिन ये अभी ऑन नहीं हो रहा है। देखते हैं मोबाइल खोल के क्या होता है। बैटरी से तो ये ऑन नहीं हो रहा है। देखते हैं सप्लाई कटी है क्या इसकी। हमने मल्टीमीटर को बजर मोड पर सेट कर लिया है। उसके बाद रेड प्रॉप को हम ग्राउंड पर रख के देखते हैं एक बार सप्लाई इस पर आ रही है। BSI की सप्लाई भी आ रही है और ये भी सही है। मोबाइल को खोल लेते हैं तब देखते हैं इसमें क्या समस्या है। जैसे मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि सेट में हल्का फुल्का ही पानी गया है, लेकिन पानी गया है, वाटर डैमेज मुझे लग रहा है। फिलहाल देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, देखिए जैसा आप देख पा रहे हैं बहुत सारा ये डस्ट जमा हुआ है और इधर भी देखिए। हम दिखाने का प्रयास करते हैं और पहले इसको एक बार हम सप्लाई से ऑन करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं ऑन हो जाए तो फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस देखेंगे। पहले इसको निकाल लेते हैं। देखते हैं दोस्तों इसकी स्टार्टिंग, इसमें फ़ोन में स्टार्टिंग है कि नहीं। कभी कभी ऑफ स्टार्टिंग भी होती है तभी सेट ऑन नहीं होता है। ऑफ स्टार्टिंग हम चेक करेंगे। एक बार आके जीरो हो गया, उसके बाद इधर सप्लाई आ रही है, इसका मतलब हमारा ये ऑफ स्टार्टिंग नहीं है। एक बार फिर से देखिए, अगर ये कुछ वैल्यू बताता तो इसका मतलब स्टार्टिंग हाफ स्टार्टिंग होता, लेकिन स्टार्टिंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको हम एक बार फिर से बैटरी कनेक्टर को हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं तो हो सकता है इससे हमारा काम बन जाए, नहीं तो आगे का प्रोसेस हम देखेंगे। एक बार DC सप्लाई से इसको हम ऑन करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं ऑन होता है कि नहीं। देखिए दोस्तों, हमारा सेट ये भी ऑन नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें और कुछ समस्या है। एक बार हम बोर्ड को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेते हैं, पेट्रोल लेके खूब अच्छी तरीके से क्लीन कर ले, उसके बाद फिर चेक करते हैं। चार्जिंग कनेक्टर को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। पूरे बोर्ड को हम पेट्रोल से साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। LCD जहाँ पे सोल्ड हुई है उधर भी थोड़ा थोड़ा मुझे कमी दिख रही है, उसको भी साफ़ कर लेते हैं। देखिए हमारा ये भी क्लीन हो गया, पूरा बोर्ड हमारा भली भांति क्लीन हो गया है। अब इसको हम एक बार हॉट एयर गन की मदद से हल्का सा हीट देंगे।
ज़्यादा हीट नहीं देंगे, हल्का हीट देंगे, उसके बाद देखते हैं। हीट देने के बाद सेट को हल्का सा कूल होने देते हैं, उसके बाद फिर बैटरी लगा के सेट को ऑन करते हैं। अगर सेट हमारा ऑन हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर और कुछ देखेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा सेट वाटर डैमेज ही था हमारे हिसाब से, सेट ऑन हो गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अच्छा लगा हो तो।